हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैंपस कैंप में। फ्रेंड्स, आज के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो, जिसमें दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी पेन ड्राइव से अपने प्रोग्राम को अपनी सीएनसी जो मशीन है उसके ऊपर आप डाल सकते हो, यानी उसके अंदर आप कॉपी या पेस्ट आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, तो दोस्तों स्टार्टिंग से वीडियो को देखिएगा और वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर मेरे पास मशीन देख रहे हो, ये हमारे पास सीएनसी लेथ है जो मशीन है। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, अपने प्रोग्राम को डालने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ना ऑप्शन मिल जाता है, देखो दो ऑप्शन है, मेमोरी कार्ड का है और दूसरा आपकी यूएसबी का है। तो मेमोरी कार्ड ये एक आपके पास सीएफ कार्ड होता है जो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ से आप इसको डाल सकते हो सीएफ कार्ड को, किंतु हम जो है मेमोरी कार्ड का यूज करेंगे। तो मेमोरी कार्ड के लिए मेरे पास ये डिवाइस होता है इधर की तरफ, तो इसमें हम क्या करेंगे अपना मेमोरी कार्ड जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास एक मेमोरी कार्ड सॉरी यूएसबी आप लगाओगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप मेरे पास एक यूएसबी है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ, इसके अंदर मैंने यहाँ पर लगाया। तो दोस्तों अब उसके बाद देखो आपको क्या सेटिंग करनी है, उसके लिए आपको जाना है दोस्तों यहाँ पर आप पाओगे। उसके लिए सबसे पहले तो एक सेटिंग आपको करनी है, ऑफसेट बटन को दो बार आपको प्रेस करना है। जैसे मैंने ऑफसेट बटन को दो बार प्रेस किया यहाँ पर, तो आपके पास इस तरह से इसकी जो सेटिंग्स के पैरामीटर हैं वो आपके पास ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास ये ऑप्शन नंबर होता है, जैसे अगर मैं फिफ्थ नंबर पे बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास है आईओ चैनल। तो आईओ चैनल दोस्तों आपको यहाँ पर 17 रखना है। ये चीज़ आपको खासकर ध्यान रखनी है कि जब भी आप अगर यूएसबी का यूज़ कर रहे हो तो आपका आईएसओ 7 नंबर जो होगा वो आपका 17 होगा, और अगर आप सीएफ कार्ड का यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए जो आपके पास जो नंबर होगा वो आपके पास होता है 4। ठीक है, तो अभी हम पेन ड्राइव से डाल रहे हैं अपना प्रोग्राम, तो आपके पास जो आईएसओ नंबर रखना है आपका क्या रखना है 17। ठीक है, उसके बाद आप वापिस से हम प्रोग्राम में चले जाते हैं, वापिस से प्रोग्राम में आना है। अब उसके बाद आपको ना प्रोग्राम बटन पे क्लिक करना है दो बार, यानी आपके जो ये मेन फंक्शन होता है जहाँ पर आपके प्रोग्राम्स होता है वहां पर आ जाओगे। ठीक है, अब तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज आपको खासकर ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने प्रोग्राम को कॉपी करते हो तो आपका जो ये राइट प्रोटेक्ट की है, यानी आपकी जो प्रोग्राम एडिट मोड है, ये आपका ऑन होना चाहिए। और दूसरा, आपका जो मोड होता है वो हमेशा आपका एडिट मोड में होना चाहिए दोस्तों। तो ये दो चीज आपको करनी है। यहाँ पर देखो मैंने इसको एडिट मोड कर लिया है, यहाँ से हमारे पास जो प्रोग्राम की एडिट किया है वो भी हमारे पास ऑन है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे आप प्रोग्राम पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम का बटन होता है, तो आपके पास प्रोग्राम बना दिखाएगा। आपको एक और बार प्रोग्राम को प्रेस करना है तो आपके पास इस तरह से जो आपके प्रोग्राम सेव होंगे वो आपको दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर आना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो नीचे की तरफ आपको एक ओपीआरटी का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको प्रेस करना है। जैसे ही ओपीआरटी करोगे तो यहाँ पर देखो साइड में आपको मिलेगा डिवाइस चेंज, तो आपको यहाँ से डिवाइस चेंज में जाना है। डिवाइस चेंज में आने के बाद आपको जाना है दोस्तों, यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, यूएसबी मेमोरी। तो आप यहाँ से यूएसबी मेमोरी पे क्लिक करोगे, जैसे यूएसबी मेमोरी पे क्लिक करोगे तो देखो दोस्तों जो जो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो डिवाइस हमारा यूएसबी मेमोरी आ चुका है। इसके अंदर जो जो चीजें हैं वो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे पास 3-4 प्रोग्राम है जो यहाँ पर हम क्या करेंगे अपनी मशीन के अंदर जो है इनको कॉपी करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या फंक्शंस करना पड़ता है, देखो दो मेथड होते हैं दोस्तों, मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ। तो जैसे सबसे पहला हमारा प्रोग्राम है, हम ये उठाते हैं 8765 का जो हमारे पास प्रोग्राम है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से 8567 प्रोग्राम पे आपको आना है। नीचे की तरफ आप यहाँ से इन एरो की का यूज कर सकते हो आने के लिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप इसको रीनेम करना चाहो तो दोस्तों रीनेम आप यहाँ पर कर पाओगे। तो आपको रीनेम के लिए देखो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी नाम रख देना है। जैसे मैंने ओ से स्टार्ट किया, सॉरी ये 0 आ जाएगा आपका, इसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से कैंसिल किया, हम यहाँ पर रखेंगे ओ, ओ से स्टार्ट किया मैंने और यहाँ पर इसका नाम दे दिया 8766 दे देते हैं 8766। यहाँ पर देखो मैंने इसका नाम 8766 रखा और इसको क्या कर दिया, यहाँ से जो मेरे पास रीनेम है इसको हम रीनेम करेंगे। जैसे आप रीनेम करोगे तो यहाँ पर देखो 8766 के नाम से आपके पास जो है वो प्रोग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट मेथड क्या है दोस्तों, कि यहीं पर आपके पास देखो ये एरो की आपको मिलता है, इसको आपको प्रेस करना है। यहाँ से आपके पास ऑप्शन मिलेगा एफ इनपुट का, आपको इसके ऊपर प्रेस करना है। इनपुट करने के बाद यहाँ पर आपके पास एफ गेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको एफ गेट करना है। जैसे ही आप एफ गेट करोगे उसके बाद आपको यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये क्या बोल रहा है कि द सेम नेम प्रोग्राम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इसका मतलब इस नंबर का जो प्रोग्राम है दोस्तों वो ऑलरेडी से क्या है आपकी मशीन के अंदर रजिस्टर्ड है। तो हम क्या करेंगे, एक नया प्रोग्राम है वो हम ऐप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से ऊपर कोई दूसरे वाला प्रोग्राम उठा लेता हूँ, जैसे ये मेरा प्रोग्राम है इसको हम उठा लेते हैं। वापिस हमने यहाँ से इसको हम एफ इनपुट के अंदर गए, यहाँ से एफ इनपुट किया, फिर से एफ गेट किया। एफ गेट करने के बाद इसको हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे दोस्तों तो यहाँ पर देखो आपका जो पूरा प्रोग्राम है 07858 के नाम से आपके पास जो प्रोग्राम है वो आपका आ चुका है दोस्तों। यानी आपके पास जो
आपकी मशीन ने ये जो प्रोग्राम है वो रीड कर लिया है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोग्राम डालते हो उसका नाम आपकी मशीन में ऑलरेडी सेव नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप वापस से अगर आना चाहते हो तो फिर से आप यहाँ से एरो की पे दबाओगे, एरो की के बाद आप यहाँ से जो डिवाइस चेंज का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है, वापिस से आपको सीएनसी मेमोरी का ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही सीएनसी मेमोरी में आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो मशीन के यहाँ पर आप देख रहे हो सीएनसी मेमोरी का आ गया है। उसके बाद आप यहाँ से प्रोग्राम में आके उसको प्रोग्राम को चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखो आपका जो प्रोग्राम है 07658 सीएनसी करके मेरे पास जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो आपकी मशीन में आ गया है दोस्तों। तो देख इस तरह से देखा दोस्तों, तो किस तरह से आप अपने मशीन के अंदर अपने प्रोग्राम को आप कॉपी कर सकते हो, रन कर सकते हो, वो सारी चीजें आप इसके अंदर आप कर पाओगे। तो होप करता हूँ कि आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और थैंक यू फ्रेंड्स।